सावन के पवित्र माह में संस्कार नगरी में पूजन अर्चन का दौर देखा गया है। पूरे शहर का संचालन करते पालिका मुख्यालय में आज राष्ट्रीय समाज पक्ष के कार्यालय में भक्ति का माहौल देखा गया। आरएसपी के मुखिया और गोरुआ विस्तार के नगर सेवक राजेश आयरे ने आज भगवान सत्यनारायण के पूजन अर्चन किए थे। पूरे साल नागरिकों के प्रश्न को हल करने समेत बड़ौदा के विकास के कामों में उत्साह व शक्तिवर्धन हेतु आरएसपी के कार्यकर्ताओं ने भगवान के सामने शीश झुकाया था। आज इस धार्मिक कार्य में पालिका प्रशासन के पक्ष एवं विपक्ष के नेता समेत नगर सेवकों की उपस्थिति देखी गई। हमेशा कहूँ छू कि वडोदरा शहर संस्कारी नगरी है, धर्मनी नगरी है। जयरे श्रावण मास हो अने ए पवित्र मास हो, संपूर्ण मास दरमियान सौ लोग पूजा पाठ ने बधु करता हो साथे साथे आ एक अमरु घर है अने घर साथ घर की अंदर ए भारतीय जनता पार्टी हे कांग्रेस हे कि विपक्ष हे प्रजाजनों सुखाकारी प्रजाजनों जे कामों एना माटे अनेक शुद्ध अने सात्विकपणे जेपण धंदाकीय प्रवृत्ति करता हो घर में हो कि आज अमे आ अमारी पोतानी पार्टी ऑफिस है अने वडोदरा महानगरपालिकाए कॉर्पोरेशन तरफ थी राष्ट्रीय समाज पक्ष ने आपेली है। जे रीतना सौ कोई पार्टी करती हो आज अमरा दर वर्षनी आज सत्यनारायण की पूजा करती वडोदरा शहरना मेयर ओपोजिशन लीडर अने सौ सभासदों साथ साथ सौ कर्मचारी भगवान सत्यनारायण आज प्रसाद लीधो तो वडोदरा शहरीजनों ने आज अमें आमंत्रण आप साथ साथ आ शहर अंदर जी रीतना महाराजा जे सयाजीराव गायकवाड़े जयरेप आ सयाजी नगरी करी थी ये समय दरमियान वडोदरा शहर सुखाकारी प्रश्नों पूजा विधि साथ दर वक्त थता हो आज एज पूजा विधि साथ अमे अँ आज रीतना करता हो अमरा घरे करता हुए अमरी कार्य अपना कार्यालय करता हो आज सौ लोग आईने प्रसाद लीधो तो भगवान ने प्रार्थना करे कि आ वडोदरा शहर पर क्यों कोई आपत्ति ना आए और सौ लोग ने हमेशा सुखे राखे। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।